हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस आपकी रीडिंग को। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिली है, मिलने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स को, कौन सी खुशखबरी बहुत जल्दी मिलने वाली है। ग्रैटिट्यूड, रिन्यूअल, विजडम, डिस्कवरी, क्वेस्ट, क्रिएशन, अबंडेंस, मिरेकल। मेरेकल ऑन द वे है डियर, ठीक है, ऐसा लग रहा है। ट्रिकरी, डिस्पोंडेंस एंड बिटर स्वीट, ओके गाइस, आप ना आप लोग में से काफी सारे लोग मिरेकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी एनर्जीज ऐसी हैं, बार बार रीडिंग में मिरेकल निकल कर आता है। इसका मतलब है आप में से काफी सारे लोगों की ऐसी एनर्जीज हैं कि आपके लिए मिरेकल ऑन द वे है। ठीक है, मतलब बिल्कुल रास्ते में है। ठीक है, और ये दोनों कार्ड्स आ रहे हैं, अबंडेंस और मिरेकल। किसी भी वक्त आप देखिएगा आपकी लाइफ में सडनली मिरेकल हो जाएगा एंड आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे, ओ माई गॉड ये कैसे हो गया। ठीक है, बिकॉज आज की जो एनर्जीज आई ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आई हैं, अबंडेंस लेकर आई हैं, रिन्यूअल, ग्रैटिट्यूड, क्रिएशन, पता है आप लोग मास्टर मैनिफेस्टर की एनर्जी में इस वक्त हैं। ठीक है, आप पता है बहुत सारे लोग स्पेल्स ट्राई करते हैं और मेरे अकॉर्डिंग जिस तरीके से मेरी लर्निंग हुई है, ठीक है, जिस तरीके से मुझे महादेव और श्रीहरि ने लर्निंग दी है, ठीक है, मतलब मैं स्पेल्स वगैरह कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए और आपका जो एक टारगेट है कि आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में मेंटेन करना सीख जाओ, उसके बाद देखो आप सच में एक मैनिफेस्टर हैं। आप जो चीज़ें सोचेंगे ना वो मैनिफेस्ट होंगी, मतलब आप बिना किसी, जैसे कुछ लर्निंग्स जो मतलब भगवद गीता में लिखी हुई हैं उनको आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, उसके बाद आप सच में एक मैनिफेस्टर हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक बार सीख गए कि हाई वाइब्रेशन में खुद को मेंटेन कैसे करना है, लो पर जाना ही नहीं है। ठीक है, जो चीजें लो पर खींचती हैं उनसे कट ऑफ करो, उसके बाद आप देखिएगा आपकी मैनिफेस्टेशंस कितने तेजी से पूरी होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्रिएटर हैं, उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप स्पेल्स लगाएं, आप कुछ ऐसी चीजें ट्राई करें। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती, आपके सोचने मात्र से आप आकर्षित करते हो, मतलब आप दिमाग में सोचेंगे और आपको देखेंगे कि एक दो दिन में वो चीज हो गई। ठीक है, या फिर मतलब कुछ बड़ी है तो वो समय के साथ वो भी पूरी हो गई, मतलब कुछ भी खाली नहीं जाता है सोचा हुआ। ठीक है, जब आप इस लेवल की एनर्जी में आ जाते हैं, जब आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, तो आप स्पेल्स वगैरह तो ऐसे होते हैं कि आप ट्राई करते हो फिर चीजें अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है,
तो वो मुझे एक शॉर्टकट नजर आता है, ठीक है। लॉन्ग रूट तो मुझे यही लगता है कि एक बार हाई वाइब्रेशन में जाओ, वहां मेंटेन कर लो खुद को। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी और क्रिएशन की एनर्जी दिखा रही है कि जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, उतनी तेजी से लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी चीजें, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। कि क्रिएशन का कार्ड है, देखिए क्रिएटर का कार्ड आ रहा है यहाँ पर आपके लिए। मतलब जो भी चीज आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कहते हैं ना, आई कैन क्रिएट माई ओन डेस्टिनी, तो आप अपने भाग्य में क्या लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप वही लिख रहे हो, ठीक है ना। ओके, तो बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है यहाँ पर, जो भी वो चाह रहे हैं। अबंडेंस आप चाहते ही हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर पूरी तरीके से। क्योंकि जैसे जैसे आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, ब्लॉकेजेस ऑटोमेटिक हील हो जाते हैं, आपके सारी लर्निंग्स आपको वैसे ही मिल जाती है, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में जाना ही आसान काम नहीं है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते सारी लर्निंग हो जाती है। ओके, यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड भी है, तो मतलब आप में से काफी सारे लोग शाइन कर रहे हैं। देखिए, ये आपके लिए गुड न्यूज है। आपके चेहरे पे एक अलग ही पीस है, शांति है, ठीक है। और आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज्यादा आपका ऑरा शाइन कर रहा है, ये आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है। और यही एनर्जी आपकी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकती है, मिरेकल्स, अबंडेंस, पार्टनर, लग्जरी लाइफ, जो भी आप चाहते हो, जैसी भी जिंदगी आप चाहते हो वैसी ही आप विजुलाइज कर सकते हो। जितना ज्यादा आप ये कहेंगे ईश्वर से कि मुझे ये देने के लिए शुक्रिया, ये देने के लिए शुक्रिया, ये देने के लिए शुक्रिया, उतनी ज्यादा आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी, ब्लेसिंग्स आपकी मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। विजडम की एनर्जी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर डिस्पोंडेंसा कार्ड है, आप इस एनर्जी में थे, उलझन में, बहुत ज्यादा लोग आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बट आपने जैसे ही ज्ञान का मार्ग अपनाया, जैसे ही ईश्वर से आप जुड़े, आप ज्ञान मार्ग पे आए, ज्ञान मार्ग पे आते ही आपका दिमाग और आपकी बुद्धि खुल जाती है, ठीक है। वहां पर आप देख सकते हैं एंजल्स आपके लिए हाथ जोड़ रहे हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं मदर गाया की एनर्जी है, डिवाइन फैमिलिन की एनर्जी है। डिवाइन फैमिलिन का ये हाल हो रखा था, ठीक है, जब लोग उसको बहुत नेगेटिविटी सेंड कर रहे थे, बहुत कुछ बुरा भला बोल रहे थे, या फिर उसको समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे उसने खुद को समझा, उसकी एनर्जी स्टेबल हो गई, अब बारी है कि एंजल्स उसके लिए हाथ जोड़ रहे हैं, एक मिरेकल वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही है या कर रहा है, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी है, ये आपके लिए गुड न्यूज है। डिस्कवरी, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ना पावरफुल कार्ड आया है, डिस्कवरी का कार्ड है। आप अपनी सोल जर्नी में काफी आगे निकल आए हो, ठीक है। यहाँ भी देखिए, आप बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है ना, किस तरीके से चीजें होती हैं, ये आप बहुत कुछ यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। और अब वो पहले की तरह आपको विक्टिम फील भी नहीं हो रहा है, पहले आपको ऐसा लगता था कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं, लेकिन आप ये चीज समझ गए कि वो चीजें टेम्पररी थी, वो सिर्फ कुछ सिखाने के लिए था, वो आपकी लाइफ की डेस्टिनी थी ही नहीं। वो जो चीजें आपको लोगों ने सिखाई कि एडवांटेज नहीं लेने देना, ये आपकी लाइफ के लर्निंग लेसन्स थे जिनको आपने सीख लिया है और अब आप आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अब वो पुरानी चीजें आपको बॉदर नहीं कर रही हैं। एंड क्वेस्ट का कार्ड दिखा रहे हैं कि एंजल्स इतना आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि मन में सवाल चलते ही आपको जवाब मिलते हैं, आपको मतलब तुरंत क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाते हैं। तो ये एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, और यही एनर्जी सारे मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने में समर्थ है, ठीक है। और मुझे ये गुड न्यूज है, आपकी लाइफ में एक मिरेकल, अबंडेंस, रिन्यूअल और विजडम की बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपकी लाइफ में मुझे नजर आ रही है। मतलब क्रिएटर की एनर्जी में बैठकर इंसान बोले कि मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया तो क्या फायदा है, ठीक है। क्रिएटर तो ये बात हो गई कि मैं खुद लिखूंगा या लिखूंगी कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहिए, अच्छा अच्छा सब कुछ मुझे चाहिए, और उसको मैं अपनी लाइफ में खुद क्रिएट करूंगा, ठीक है। ये वाली एनर्जी है, बिटर स्वीट। ओके, बस एक ये जो एनर्जी होती है ना मांगने वाली, ये बहुत ही बेकार एनर्जी लगती है, ठीक है ना। मतलब किसी से भी मांगना हो, ठीक है, मांगना, मांगने से अच्छा कमाने पर विश्वास कीजिए, ठीक है। जैसे आप कुछ चीज मांग रहे हैं किसी से, चाहे वो लव हो, चाहे वो कुछ पैसे हो, या फिर ईश्वर से भी अगर आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो ईश्वर भी कहता है तू निस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आ जा, मैं खुद ही तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, तो तुझे मुझसे मांगने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो मांगिए मत, मतलब ईश्वर से अगर आप चाहते हैं कुछ भी और ना मांगना हो, तो आप कर्म करते जाइए और फल को छोड़ते जाइए, ठीक है। श्री हरि ने जो बोला है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो मतलब कमाइए, ठीक है, ईश्वर अपने आप भी दे देंगे, ठीक है। कर्म किया है तो कहाँ जाएगा, है ना। तो जहां भी आपकी ये थ्योरी अप्लाई होती है कि मांगना है, वहां पर मांगने से बेटर है कि कमाइए, ठीक है। हम तो इसी चीज में बिलीव करते हैं, हमारी लर्निंग ऐसे ही हुई है। और देखते हैं हम,
प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को कौन सी खुशखबरी बहुत जल्दी मिलने वाली है। स्ट्रैटेजी, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, हीलर ऑफ द एजेस, मैच ऑन, जर्नी, हैप्पी फैमिली, डोर टू स्पिरिट, वाओ, वर्ल्ड। दो कार्ड और लेंगे। कॉर्नोकोपिया, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहां पर क्या निकल कर आ रहा है? देखिए यहां पर कार्ड आए हैं कॉर्नोकोपिया, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, स्ट्रेटेजी, जर्नी, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, हैप्पी फैमिली, हीलर ऑफ द एजेस, डोर टू स्पिरिट, सिक्स चक्र, वर्ल्ड। क्या दिखा रहे हैं ये कार्ड? देखिए ये कार्ड बात कर रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी जर्नी में आप खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। लाइफ की यात्रा है, मतलब इस तरीके से जैसे इंसान है ना अपने बैग वैग पैक करके निकल दिया है कि यार लाइफ बहुत बड़ी है, ये तो पता नहीं है कब दुख है कब सुख है, कुछ भी हो सकता है लाइफ के अंदर। मतलब वही राम जी वाली बात कि राम जी को अगले दिन सिंहासन मिलना था और मिल गया वनवास, तो पता तो रहता नहीं कि लाइफ की अगली सुबह क्या होगा। इससे बेटर है कि प्रेजेंट में जियो, ठीक है, प्रेजेंट में जियो और खुशी से जीने की कोशिश करो, क्योंकि जो मिलना है वो तो मिलना है और कर्म अपने हाथ में है। तो मतलब अपना अच्छा कर्म करो और खुशी से जिंदगी जियो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी के साथ बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और मैं ये देख रही हूँ कि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि इस तरीके से जो जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं ना, उनकी लाइफ में स्ट्रैटेजी खुद डिवाइन प्लान कर रहे हैं कि इसको सही समय पर सही चीजें सही चीजों से कैसे मिलवाना है। मतलब आपकी सोच से भी बेहतर आपको सब कुछ कैसे देना है, ठीक है। इस चीज की जो स्ट्रैटेजी है वो खुद यूनिवर्स लगाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए यूनिवर्स आपको अश्योर कर रहे हैं कि भाई आपकी गुड न्यूज में ना हम आपके दिल को, दिल की ख्वाहिशों को टूटने देंगे, ना ही आपकी जो भी यू नो करियर से रिलेटेड ख्वाहिशें हैं उनको टूटने देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आपको गुड न्यूज मिलेगी वो आपकी करियर और लव लाइफ दोनों में मिलेगी, ठीक है। आपने एफर्ट्स दोनों में लगाए हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये अश्योरेंस दे रहे हैं कि आपको आपके लाइफ में, लव लाइफ में और आपके करियर दोनों में ही इक्वल प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब आपको दोनों ही में इक्वल ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने किया था एफर्ट्स तो मेरे को लौटा है। मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने किया तो बहुत था पर मुझे मिला कुछ नहीं। ऐसा कभी होता ही नहीं कि इंसान करके आ जाए और उसे कुछ ना मिले। हाँ कुछ समय लगता है, ठीक है, सही समय पर सही चीजें आती हैं, लेकिन यू नो जब वो आती हैं तो चारों दिशाओं से भी आती हैं, ये भी सत्य बात है। यहाँ भी देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड है, मतलब यू नो इंतजार का जो सब्र का जो फल होता है वो काफी मीठा होता है, ठीक है, बिल्कुल इस कॉर्नोकॉपिया कार्ड की तरह। बस हमें, हम ट्रस्ट नहीं बना पाते हैं और हम बहुत ज्यादा रोते हैं, ठीक है, अपनी एनर्जीज को डाउन करते हैं। जो इस तरीके से खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ इजी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आपको लव लाइफ में ही खुशियां मिलनी है या फिर आपके करियर में ही मिलनी है या आपकी हैप्पी फैमिली ही बननी है। यहाँ पर कार्ड स्पिरिट्स के आ रहे हैं, ठीक है ना। ये कार्ड दिखाता है कि सिर्फ हमने इतना ही नहीं सोचा है कि हम तुम्हें सिर्फ अपना तुम्हारा करियर बनाकर दे दें या तुम्हारा यू नो लव लाइफ सही कर दें, हमको तुम्हें अपने पास भी रखना है। मतलब अब इससे ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि आप स्पिरिट्स के कनेक्शन में रहो, मतलब स्पिरिट के साथ कनेक्टेड रहो, आप हमेशा ही चैनल कर सको चीजों को, आप हमेशा ही समझ सको कि आपको क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या इंट्यूशन आ रहा है। स्पिरिट्स अगर आपके आसपास मौजूद हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो मतलब आपका जो कनेक्शन है वो 3D और 5D से बहुत स्ट्रांग है। 5D मतलब क्या, सोल की बात जहां होती है, जहां हम बात करते हैं स्पिरिट वर्ल्ड की उसको हम बोलते हैं 5D, और जहां हम बात करते हैं मटेरियल वर्ल्ड की वहां हम बात करते हैं 3D की, है ना। तो आपका जो कनेक्शन है वो 3D में
अगर आप बहुत ज्यादा करियर में स्टेबल हैं और आपके पास नेम फेम सब सक्सेस सब कुछ है, तो आप 3D में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसी तरीके से आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ स्ट्रांग है, आप अच्छे कर्मास भी क्रिएट करते हैं, और आपके पास हर चीज इस तरीके से है कि आपको जब जिस चीज की जरूरत है ईश्वर आपके पास भेज रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन आ रही है, गाइडेंस आ रही है, तो इसका मतलब कि आपका कनेक्शन 5D में भी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि 3D और 5D में बहुत अच्छा बैलेंस करके चल रहे हो। सब नहीं कर पाएंगे डियर, सबके बस की बात नहीं है, अगर आप कर पा रहे हैं ना और आप यहाँ पर है, रीडिंग देखकर आपको झटपटाहट नहीं होती है, सुकून मिलता है, ठीक है, और आपको विश्वास आता है, इसका मतलब है कि आप एक पावरफुल सोल हैं, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग तो होंगे तो सुन के ही भाग जाएंगे, उनको लगेगा कि मेरे बस की नहीं है ये, ठीक है ना। तो जिनके बस की नहीं होती है, ईश्वर उनको चुनता भी नहीं है, ईश्वर ने अगर चुना है, चोजन वन अगर आप हो, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ देखा है, ठीक है ना। और आपकी देखिए यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, इस रीडिंग में देखने वाले बहुत सारे लोग हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आने वाले समय में हीलिंग का काम करेंगे वो, ठीक है, खुद को हील करने के बाद लोगों को हील करने का काम वो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। मैंने बोला ना कि इस रीडिंग को जो देखने आए हैं ना, उन्हें काफी सारे लोग हीलर हैं, मतलब वो लोग हैं जिनको ईश्वर ने खुद चुना है, तो जब चुना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी ही है, ठीक है। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या है, देखिए गुड न्यूज तो आपको सामने ही नजर आ रही है, आप मतलब आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप पे हैप्पी फैमिली है, यहाँ पे आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं, बस इनका जो सही समय है, उस सही समय तक आप ईश्वर पर कितना विश्वास बना पाते हैं, ये भी आपकी एक विश्वास की परीक्षा है जो ईश्वर ले रहे हैं इस वक्त में, कि क्या इस इंसान के अंदर कितनी कितना पेशेंस, कितना धैर्य है, और मुझ पर इस व्यक्ति का कितना विश्वास है, कहीं ये गिव अप तो नहीं करेगा, मतलब ईश्वर है वो आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन यकीन मानिए अगर उस समय तक आप रुक गए और आपने पेशेंस बना लिया, मतलब सबकी जर्नी अलग अलग है, ठीक है, तो आप यकीन करिए कि आप अपनी लाइफ में मतलब इससे बेहतर नहीं पा सकते थे, ऐसा आप एक दिन जरूर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी और सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी है, मतलब आपका थर्ड आई ओपन है, वही बात कर रही थी जो मैं, 5D रियलिटी को देखने के लिए थर्ड आई ओपन होना जरूरी है, ठीक है, तो आप वो समझ पा रहे हैं, तभी आपका स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन स्ट्रांग है, और मतलब कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, 5D कॉन्शियसनेस में टैप इन कर पा रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन से दूर जा रहे हैं, लोगों को जज नहीं कर रहे हैं, 5D में रहने वाले लोग लोगों को जज नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि लाइफ के सबके क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग हैं और सबके आंसर्स भी सबके अलग अलग हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा है या ये वैसा है, सब अपने क्वेश्चन पेपर्स को खुद लिख रहे हैं, और जो गाइडेंस आपको आ रही है, जरूरी नहीं कि सामने वाले को भी सेम आ रही हो, उसको हो सकता है डिवाइन अलग तरीके से चैनल कर रहे हो, तो सबकी सुनिए, ऐसा ना बोलिए कि मुझे ही सब कुछ पता है, ठीक है ना, सबको अलग अलग तरीके का ज्ञान यहाँ पर हो सकता है, डेफिनेटली सबकी लर्निंग अलग होती है, सबके प्रश्न पत्र अलग होते हैं, तो सबके उत्तर लिखने के तरीके भी अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है गाइस, तो आपका थर्ड आई ओपन है, आपके साथ स्पिरिट्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, हीलिंग करेंगे आप आने वाले समय में, हैप्पी फैमिली आपकी मुझे नजर आ रही है, एंड यहाँ पर आपका करियर और आपका लव लाइफ, इन दोनों के रिजल्ट्स देने की जिम्मेदारी ईश्वर ने ले रखी है, और स्ट्रैटेजी खुद परमात्मा बना रहे हैं कि कैसे आपकी जर्नी में सही समय पर सही चीजें आपको देनी है। सो मतलब सारी चीजें जैसे लगता है अलाइनमेंट पे हैं, आपको सिर्फ ट्रस्ट करके, आंख बंद करके, हरि नाम लेकर आगे बढ़ते जाना है, और हार नहीं माननी है, और मतलब बिल्कुल इस तरीके से नहीं सोचना है कि पता नहीं होगा कि नहीं, आपको ये दिमाग में लाना ही नहीं है कि पता नहीं होगा कि नहीं, ठीक है, आपको ये सोचना है होगा क्या, 100% हो रहा है, ठीक है। लेडी वीनस, फ्रेया, डायना, यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड लीजिए राधा माँ भी आई है। ओके, यहाँ पर फीमेल एनर्जी आई है पूरी की पूरी, मतलब फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली आई है। फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज अ बिगनिंग विद एन एवरी एंडिंग, इल्यूजंस आर रिवील्ड एंड रिलीज, ये आपको मैसेज दे रही हैं
कि किसी भ्रम में ना फंसी है, ठीक है। एक साइकिल खत्म होती है, दूसरी स्टार्ट होती है, और यही जीवन चक्र है। तो इसको सीरियसली नहीं लिया जाता, सिर्फ इससे सीखा जाता है और लेट गो किया जाता है। ये आसान नहीं होता है, पर नामुमकिन भी नहीं है, ठीक है। और अगर कोई चीज खत्म हुई है तो एक नई शुरुआत भी जरूर होगी, ऐसा फ्रेया आपसे कह रही है, ठीक है। तो अपने आप को ज्यादा इल्यूजन में मत फंसाइए, भ्रम में मत फंसाइए, ठीक है, और भ्रम को रिलीज कीजिए। लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियलम। ये आपसे कह रहे हैं कि आपको डाउनलोड्स होते हैं, आपको हर चीज तो पता है, खुद को सुनना तो शुरू करो, आपको सब पता है, आपको खुद ही डाउनलोड्स होते हैं, आपको सब कुछ समझ में आता है कि कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सारी सच्चाई आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। जो भी आपको ऊपर से गाइडेंस आ रही है उसमें सारी सच्चाई आपको मालूम है, जस्ट आपको सुनने की जरूरत है। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। डायना आपसे कह रही है कि इंटेंशन अपने सही रखो, मतलब नियत, ईश्वर आपको नियत से परखेगा, इंसान आपको दिखावे से परखेगा, ठीक है। तो हमेशा ही कोशिश करें कि दिखावा करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, लेकिन नियत को हमेशा ही साफ रखिएगा, बिकॉज ईश्वर तो नियत ही देखेगा, उसको दिखावे से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो इंटेंशन को फोकस्ड करिए और अपने जो आपके गोल्स हैं उनको थोड़ा बड़ा करिए। जैसे मैंने कहा ना, क्रिएटर हैं आप अपनी लाइफ के, तो बड़ा सोचिए और बड़े को मैनिफेस्ट करिए। राधा, सोल फ्लेम, ओके। राधा, रीडिस्कवर लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो ये आपसे कह रही है कि अपने आपने जो अपने आप को खो दिया है ना, ठीक है, आप भूल गए कि आप क्या हैं, अगर आपने अपने आप को खो दिया है, तो आपसे कह रही है कि अपने जो आपका पार्ट है उसको दोबारा से रीडिस्कवर करो, ठीक है। अपने खुद के साथ हार्मनी, एक अच्छा रिलेशनशिप, हीलिंग ऐसे फील करो, ठीक है। खुद को पहले फॉरगिव करो, खुद के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाओ, खुद के फ्रेंड बनो, ठीक है। अपने साथ हार्मनी क्रिएट करो, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करो, अपने आप को हील करो, ये राधा माँ आपसे कह रही हैं, ठीक है। और ऐसा करते ही आपकी जो चीजें हैं वो अलाइनमेंट में, डियर, एक एक करके सारी चीजें आपको मिलती चली जाएंगी आपकी लाइफ में। एवरीथिंग मुझे नजर आता है, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ, गुड न्यूज की गुड न्यूज निकल कर आती है, इसी तरीके से जैसे लगता है सब चीजें अलाइनमेंट में से चलते जाइए, सही समय पर सही चीज आपकी लाइफ में भेज दी जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हील होंगे तो आप इंजॉय कर पाएंगे, अगर आप हील नहीं होंगे तो आप ब्लेसिंग्स को देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। वो आकर सामने खड़ी हो जाएगी और आप शक करेंगे कि ये सच में आई है क्या, ठीक है। इसीलिए थोड़ा हील होना जरूरी है, ओके। जैसे जैसे हीलिंग होती जाएगी वैसे वैसे ब्लेसिंग्स आती जाएंगी। सो गाइज, यह आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।